दोस्तों, अगर आप 2024 में होने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक 90 दिनों की सिलेक्शन दिला देने वाली रणनीति। दोस्तों, आपने बहुत स्ट्रेटजी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये स्ट्रेटजी बियॉन्ड द थिंकिंग है। अगर आपने ये नहीं देखा मतलब कुछ नहीं देखा। आज इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप इस बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो ना, फिर चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के ऊपर हाथ रख दो, उसी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल सीपीओ एसआई सीएचएसएल एमटीएस हवलदार कांस्टेबल जीडी स्टेनोग्राफर सिलेक्शन पोस्ट इनमें से किसी भी एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए आपको इन चारों सेक्शन से टकराना होता है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारे दो रेड कॉलम है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेक्शन एसएससी के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज बनके ये दोनों सेक्शन ही उभरते हैं। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों सेक्शंस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, इन दोनों सेक्शंस को सबसे ज्यादा टाइम देना है। कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी जानकारी आगे इसी वीडियो में मैं आपको दे ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको डेली 8 घंटा तो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये एक 90 दिनों की मतलब 3 महीने की पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर आप डेली 8 घंटा 90 दिनों तक पढ़ रहे हो तो टेक्निकली आप 720 घंटा इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ चुके होंगे, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया टाइम ड्यूरेशन है। अब इस स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एसएससी के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज बता देता हूं कि भाई एसएससी एग्जाम्स में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एवरेज पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज यही रहता है। जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस से इंडियन कल्चर से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा, और ये एवरेज क्वेश्चंस का वेटेज है। यानी कि किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो पोस्ट वाइज एग्जाम वाइज डिपेंड करता है। सेकंड है हमारा इंडियन हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल साइंस से 1 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर डिजीज विटामिन न्यूट्रिशन और करंट अफेयर से 6 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपके सामने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन का वेटेज है। जिन एसएससी के छोटे एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आता, जैसे कि कांस्टेबल जीडी एसएससी एमटीएस, उनमें से आप एडवांस मैथ हटा दीजिएगा, बाकी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम्स में तो आता ही है। साथ ही रीजनिंग का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज आपके सामने है। साथ ही हमारा चौथा सब्जेक्ट बच जाता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वेटेज आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजिली इस पूरे पीडीएफ को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं इस पावरफुल स्ट्रेटजी के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप के बारे में, जो कि है फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि आपकी प्रिपरेशन का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, जो कि टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन, यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक से रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का आज सबसे बेहतर तरीका है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप ऑनलाइन लेक्चर ले लो, जिससे आप उस टॉपिक का पूरा सार समझ जाते हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। या फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किसी थ्योरेटिकल बुक से खुद पढ़ लेते हो, उससे भी आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, जब आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना, उसके बाद आपको बढ़ना है स्टेप 2 के ऊपर, जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए चलना है। क्लियर है? स्टेप 3 है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आपको
सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 4 है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए दोस्तों, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, यानी कि बहुत सारी मार्केट के अंदर आपको ऐसी बुक्स मिल जाएंगी जो कि आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन प्रोवाइड कराती है और वो सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होते हैं। और एक होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो 2022-2023 में एग्जाम्स हुए हैं आप सभी शिफ्ट को सोल्व करते हुए चलते हो, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सोल्व करोगे, सब्जेक्ट वाइज सोल्व करोगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं, ठीक है। पांचवा स्टेप है सोल्व मॉक टेस्ट, यानी कि आपको अपने एग्जाम से पहले कम से कम 50 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट भी सोल्व कर देने हैं। अगर आप इन पांचों स्टेप के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो ना, तो इसे बोलते हैं एक परफेक्ट स्टडी। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है, यह सारी जानकारी मैं आपको आगे प्रोवाइड करा ही रहा हूं। उससे पहले बात करेंगे फोकस सेक्शन के बारे में कि इस बार एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस कौन से सेक्शन के ऊपर करें, यानी कि वो सेक्शन जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा फोकस सेक्शन है करंट अफेयर। एसएससी के हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर्स के ऊपर करना पड़ेगा, जिसमें हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बजट 2023-24 या फिर 2024-25 का जो बजट होगा उसके ऊपर फोकस करिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। अपॉइंटमेंट्स, डेज और थीम, ग्लोबल इंडेक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स और ऑथर, इंटरनेशनल समिट्स जितनी भी हुई होंगी, लेटेस्ट स्कीम यानी कि योजनाएं और मिलिट्री एक्सरसाइज, ये करंट अफेयर्स के कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। दूसरा फोकस सेक्शन है एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल साइंस। जनरल साइंस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तीसरा फोकस सेक्शन हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को अलग से पढ़ेगा। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके को बहुत कम लोग अलग से फोकस करते हैं। सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा टाइम बचाता है। स्टैटिक जीके के कुछ मेजर टॉपिक हमारे इस तरीके से हैं, जैसे कि फोक डांस फेस्टिवल, नेशनल मूवमेंट्स, बुक्स और ऑथर, हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन, सोलर सिस्टम, आर्टिकल अमेंडमेंट, मोन्यूमेंट्स एंड टेंपल, नेशनल पार्क, रिवर, लेक, डैम, फर्स्ट इन इंडिया, बैटल, फाउंडर ऑफ डायन सिटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीएच वैल्यूज, एसआई यूनिट्स, विटामिन और डिजीज के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा वोकैबुलरी, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर फोकस करिएगा, साथ ही एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज और स्पेलिंग चेक्स के ऊपर अलग से फोकस करिएगा। पांचवा फोकस सेक्शन है एडवांस मैथ्स। जिन एग्जाम में एडवांस मैथ आता है उनमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्पेशली फोकस करना है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एसआई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एडवांस मैथ। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर अलग से फोकस करिएगा इंग्लिश के अंदर, और नॉन वर्बल रीजनिंग को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, जिसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, साथ ही वर्बल रीजनिंग में एक टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इनके ऊपर स्पेशली फोकस करिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शंस हैं। देखिए दोस्तों, इतनी बारीकी से आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए इसके ऊपर अमल जरूर करिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में कि एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, सबसे बेस्ट बुक के बारे में बता दीजिए, ऐसी बुक्स की एक बार परचेज कर ली उसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, वन एंड ओनली बुक्स आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा सब्जेक्ट वाइज। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए कौन सी बुक, केवल एक बुक आपको परचेज करनी है और जिंदगी भर कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बुक है हमारी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसी बुक आपको परचेज करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जिसमें एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो विद डिटेल सॉल्यूशन, और वो सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होने चाहिए। बहुत सारी बुक अवेलेबल है, जैसे कि प्रायोरिटी पे मैं रखूंगा किरण पब्लिकेशन की घटना चक्र की बुक आती है, राकेश यादव जी की भी आती है, बहुत सारी बुक है, तो इस टाइप के आपको कोई बुक परचेज कर लेनी है आपका काम हो जाएगा, और किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए एक तो आपको थ्योरेटिकल बुक चाहिए होगी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज
थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखो जिससे आप टॉपिक वाइज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही उसी बुक में स्टैटिक जीके का भी सेक्शन अलग से होना चाहिए, स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने चाहिए। साथ ही प्रीवियसर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बताया। अब थ्योरेटिकल बुक तो आपके पास होगी, हमारी खुद की वेडू सक्सेस की बुक आती है और इसी बुक के लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर है। ठीक है, यहां पर प्रीवियस ईयर के लिए अगेन आप किरण पब्लिकेशन का बुक परचेज कर सकते हो या फिर घटनाचक राकेश यादव, और भी काफी सारी बुक आती हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इसमें एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। दूसरा तीसरा सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक चाहिए होगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको लगता है कि इंग्लिश में मैं एकदम जीरो हूं, तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी ल्यूशेंट का एक बुक आता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश हिंदी के थ्रू समझाई हुई है, या फिर आप एसपी बक्सी जैसी बुक भी परचेज कर सकते हो। बस जरूरी है कि टॉपिक वाइज उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखो जिससे आप टॉपिक वाइज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। काफी सारे लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने लगते हैं और जबकि टॉपिक वाइज उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो पहले अपना बेस मजबूत करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश के लिए एक बुक आपके पास प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन होना चाहिए विद सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताई किरण पब्लिकेशन की बुक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा देती है। चौथा सब्जेक्ट हमारे पास है रीजनिंग। रीजनिंग के आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर वन एंड ओनली बुक आपको रिकमेंड करूंगा एक मास्टर रीजनिंग का बुक आती है, ये तो फादर ऑफ ऑल रीजनिंग बुक है, इससे बाहर कोई बुक आती ही नहीं, ये बेस्ट बुक है। यहां पर मैंने आपको मॉक सॉल्व करने के लिए भी बोला। देखिए दोस्तों, अपने एग्जाम से पहले कम से कम 100 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज आपको सोल्व करनी पड़ेगी। या तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज सोल्व कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी सोल्व कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक एसएससी सीएचएसएल के लिए है जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। ऐसी 2-3 परचेज कर लीजिए या फिर ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बस जरूरी है कि एग्जाम से पहले जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, तो एग्जाम से पहले कम से कम 100 मॉक टेस्ट सीरीज आपको सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करनी है ये सारी चीजें मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी बुक्स ऑलरेडी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैंने सभी बुक्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए, उनके थ्रू भी आप ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। वैसे बहुत ही कॉमन बुक है, आपको इजिली ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। अब फाइनली दोस्तों हम बढ़ते हैं स्ट्रेटजिकम टाइम टेबल के ऊपर कि भैया प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है और कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है। बुक्स मैंने आपको बता दी, इन बुक्स से आप प्रिपरेशन करिएगा, मजा आ जाएगा। और ज्यादा टाइम आपको कोचिंग क्लासेस में भी नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक बुलेट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट नहीं हो, आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा है, आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रखी है, तो जो आपको आता है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को शुरू से लेकर मत बैठ जाइएगा, सिलेबस को खत्म करने की रेस में मत लग जाइएगा। पहले पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एनालाइज करिए, देखिए आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है, उनको अलग निकाल लीजिए और सबसे पहले उन्हीं टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करिए। कुछ लोगों की रीजनिंग बहुत ही अच्छी होती है, रीजनिंग में वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी रीजनिंग को पढ़ते चले जाएंगे, ये तो आपका कंप्लीटली टाइम वेस्ट हो गया। उसको हम रिविजन के टाइम पर देख लेंगे, जो आपको आता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जो नहीं आता, जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हो, शुरुआत वहीं से आपको करनी है। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया, डेली आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 90 दिनों तक 8 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी है। तो इन 8 घंटा को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। लगातार 8 घंटे पढ़ने नहीं बैठना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं लगातार 2 घंटे भी किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। पहला टाइम स्लॉट हमारा हो जाएगा 2 घंटे का, दूसरा टाइम स्लॉट भी 2 घंटे का, तीसरा टाइम स्लॉट भी 2 घंटे का, और चौथा टाइम स्लॉट भी हमारा 2 घंटे का हो जाएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी हो सकता है कि कुछ लोग को टीचर की हेल्प लगे, तो उसके लिए आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो। कोचिंग क्लासेस जाने की आजकल जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल फोन आपके पास है। जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको लेक्चर लेना है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, यूट्यूब के ऊपर सिंपली सर्च करिए और 1 घंटे का बिंदास लेक्चर लीजिए, उसके बाद खुद से थ्योरेटिकल बुक से पढ़ लीजिए या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इससे बेटर और इससे लेस टाइम कंज्यूमिंग तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। तो भाई एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर
फोकस करने की कोशिश मत करिएगा, उससे माइंड में कंफ्यूजन आता है। कम से कम इस तरीके से तो पढ़ो कि एक सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सको। कुछ लोग एक दिन में चारों सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके चलते एक भी सब्जेक्ट को ढंग से टाइम नहीं दे पाते, तो एक दिन में दो सब्जेक्ट को पढ़ा, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि भाई आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, ठीक है। शुरुआत आपने कर दी प्रिपरेशन की, जो वीक टॉपिक है वहां से आपने शुरुआत कर दी। आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वीक टॉपिक निकाल लीजिए प्रतिशतता, और यहां पर आपने कि मैं शुरुआत करूं हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया से। तो सबसे पहले मॉर्निंग में दो घंटे आपके पास है, एक एक घंटा 8 से 9 या फिर 9 से 10 ये निकाल लीजिए। एक घंटा आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब प्रतिशतता परसेंटेज से रिलेटेड आपने ऑनलाइन लेक्चर ले लिया, जिससे आप सारे फॉर्मूले समझ जाओ, इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, टीचर आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा, ठीक है। एक घंटा क्लास ली, उसी के साथ साथ जो टॉपिक आप जनरल अवेयरनेस का आज पढ़ने वाले हो पूरा दिन में, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से आप एक घंटे के ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो, जिससे आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद बीच में आप थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा एक घंटे का, फिर आपकी रियल फाइट शुरू होती है। दूसरे टाइम स्लॉट की तरफ आप बढ़ोगे, दो घंटा आपके पास है, इसको आप 11 से 1 बजे तक रख सकते हो। इसमें आपने डिसाइड किया कि भाई क्वांटिटेटिव एटीट्यूड में पढ़ूंगा, जो आपने क्लास में पढ़ा था, जो आपने टीचर से सीखा था, उसी को आपको सेल्फ स्टडी करना है। बुक खोलिए, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। यहां आपको केवल सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, सोल्यूशन आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक दिन में टेक्निकली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप 3 घंटा डेडिकेटेडली दे चुके होंगे। यहां पर 1 घंटा आपने ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने 2 घंटा बिंदास सेल्फ स्टडी किया, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा गैप देख सकते हो, 11 से 12 आपने पढ़ा, फिर 10 मिनट का गैप दे दीजिए जिससे माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, फिर आप 50 मिनट पढ़िए, ठीक है। ऐसे गैप दे देके पढ़िए, ठीक है। यहां पर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, मैंने यहां पर लिखा है डेली 10 मिनट रिवीजन। मान के चलिए आज आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा, अगले दिन जब आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू करो, उससे 10 मिनट पहले आपको केवल जो आपने पहले दिन पढ़ा था उसको सिंपली रिवाइज कर लेना है, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उनके ऊपर नजर डाल लेनी है। तो डेली प्रिपरेशन शुरू करने से पहले 10 मिनट रिवीजन आपको करना है जो आपने पहले दिन पढ़ा था, सिंपल। अब बात आती है तीसरे टाइम स्लॉट की, बीच में गैप दे दीजिएगा क्योंकि ये टाइम होता है आपका लंच का। 2 घंटे का गैप देने के बाद, पावर नैप वगैरह लेने के बाद, 3 से 5 आप अपना दूसरा टाइम स्लॉट शुरू कर दीजिए, जिसमें आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जनरल अवेयरनेस, जो आपने मॉर्निंग में उस ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ा था वही आपको सेल्फ स्टडी करना है। खुद बुक खोल के आप उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, नोट्स वगैरह मेंटेन करते हुए चल सकते हो, और डेली 10 मिनट आपको रिवीजन करना है जो आपने पहले दिन पढ़ा था, सिंपल इज दैट। फाइनली बात करते हैं चौथे टाइम स्लॉट के बारे में, जिसको आप नाइट के टाइम पर रख सकते हो, 8 से 10 इसको रख लीजिएगा। इसमें आपको डेली सोल्व 1 प्रीवियस ईयर पेपर, जिस पर्टिकुलर एसएससी एग्जाम को आपने टारगेट कर रखा है, मान के चलिए आपने एसएससी सीएचएसएल को टारगेट कर रखा है, तो डेली भाई रात में 2 घंटा आपको एसएससी सीएचएसएल 2023 या फिर 22 वाला एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। 60 मिनट आपके पास होती है, 60 मिनट उसको सोल्व करिए और 1 घंटा उसको चेक करिए कि भाई कमी कहां पर रही है, आपने कितनी गलतियां करी है, आपका क्या स्कोर आया है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए, ताकि टाइम रहते आप उस कमी को दूर कर सको। तो ये काम आपको डेली करते हुए चलना है, और 10 मिनट यहां पर भी पहले दिन वाला आपको रिवाइज करना है, जो पहले दिन आपने प्रीवियस ईयर सोल्व करा होगा ना, उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो डेली आपको ये काम करते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, ये जो स्टडी प्लानिंग है या फिर ये जो टाइम टेबल है, ये केवल मंडे टू फ्राइडे का है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सैटरडे और संडे में क्या करना है, बिल्कुल आपको बताऊंगा, बट उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या डेली आपको केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस ही पढ़ना है, रीजनिंग या फिर इंग्लिश को कब टाइम दे। देखिए दोस्तों, जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चैप्टर कवर कर लो, मान के चलिए आप प्रतिशतता परसेंटेज पढ़ रहे हो, और प्रतिशतता को अच्छे से खत्म करने में आपके 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, उसके बाद यहां पर आपको सब्जेक्ट को स्विच कर लेना है, उसके बाद आपको यहां पर ले लेना है इंग्लिश। इंग्लिश के एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चैप्टर को खत्म करने में फिर चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं होता आपको दूसरा सब्जेक्ट यहां पर लेकर नहीं आना है, ठीक है।
तो यहां पर आपको इस तरीके से स्विच करना है। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का जब एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, जब एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद यहां पर आपको रीजनिंग लेकर आ जाना है। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को स्विच करना है। इससे फायदा यह होगा कि लगातार जब आप 2-3 दिन तक एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, चीजें ओवरलोड होने लग जाती है। जब आप 1-2 दिन का गैप दे दोगे ना तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर चेंज हो रहा है, आपका इंटरेस्ट भी बनता है प्रिपरेशन करने में। ऐसे ज्यादा इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ आप प्रिपरेशन कर पाते हो। तो समझ गए सब्जेक्ट को कैसे स्विच करना है। और जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो नोट्स वगैरह मेंटेन करते हुए चलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बारी आती है सैटरडे में क्या करना है। सैटरडे में आपको शुरुआती फेज में एक मॉक टेस्ट सोल्व करते हुए चलना है। आपको खुद का लेवल देखना है कि भाई मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, मेरी तैयारी कहां पर कहां तक हो गई, क्या मैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं। तो शुरुआती फेज में सैटरडे में एक मॉक टेस्ट आपको डेली सोल्व करते हुए चलना है। साथ ही वीकली आपको रिविजन करना है, जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा मंडे टू फ्राइडे वो आपको पूरा रिवाइज करना है सैटरडे के दिन। चाहे इसमें आपके 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटा ही क्यों ना लग जाए, आपको अच्छे से रिविजन करना है, नोट्स वगैरह बनानी है, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे उनको आपको प्रिपेयर करना है। संडे को क्या करना है, देखें दोस्तों संडे के दिन आपको केवल करंट अफेयर ही प्रिपेयर करने हैं। एसएससी के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के लिए आपको लगभग लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। मतलब जनवरी 2023 से लेकर के जब तक वो एग्जाम होता है तब तक के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि सीएचएसएल 2024 का एग्जाम जून जुलाई में होगा, तो जनवरी 2023 से लेकर के जून जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो लास्ट 18 मंथ के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए। करंट अफेयर आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर। शुरुआत में मैंने आपको फोकस सेक्शन में करंट अफेयर से सभी टॉपिक बता दिए, जैसे कि नई नियुक्तियां वो प्रिपेयर करिए, बजट को प्रिपेयर करना है, स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करिए, साथ ही आपको सभी योजनाएं कवर करनी है, समिट्स करनी है, इंडेक्सेस, डेज और थीम, ये आपको टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलना है। साथ ही मंथ वाइज भी करंट अफेयर कवर करने हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने जनवरी 2023 के करंट अफेयर उठा लिए, उनको प्रिपेयर करिए, उसके बाद फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करिए, उसके बाद मार्च 2023 को कवर करिए। इस तरीके से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। दो तरीके से आपके करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। संडे का दिन दीजिएगा, 8 घंटे आपके पास रहेंगे। अगर आप संडे को डेडिकेटेडली 8 घंटे देते हो करंट अफेयर्स को तो बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और डेली 10 मिनट्स आपको जो आपने संडे में करंट अफेयर पढ़ा उसको सिंपली रिवाइज करना है, नोट्स बनाते हुए चलेगा। और डेली डेली प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मॉर्निंग में एक बार उसके ऊपर नजर डाल लीजिएगा जो आपने संडे में करंट अफेयर में पढ़ा होगा, मजा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे करंट अफेयर से कभी भी। और कोशिश करिएगा अगर एक और चीज भी पॉसिबल हो पाए, डेली न्यूज वगैरह फॉलो करना शुरू कर दीजिए, न्यूज पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, डेली करंट अफेयर की मैगजीन या फिर द हिंदू जो है इनको कवर करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, अलग से आपको करंट अफेयर कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और बुलेट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। डेली 10 मिनट करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये आपको करना है। तीसरा, डेली 10-10 वोकैबुलर प्रिपेयर। इंग्लिश मैंने आपको बता दी किस तरीके से पढ़नी है, कितना घंटा आपको देना है। वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोकैबुलरी को कैसे प्रिपेयर करना है। डेली आपको 10-10 वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है, लिख लिख के याद कर लीजिएगा। पांच टाइप की हमारी वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम सिनोनियम, इडियम फ्रेज, साथ ही स्पेलिंग टेस्ट। तो 10-10 वोकैबुलरी प्रिपेयर आपको करते हुए चलनी है। 90 दिन आपके पास है, 10 वोकैबुलरी डेली प्रिपेयर करोगे तो 900 वोकैबुलरी आप कवर कर चुके होंगे 90 दिनों के अंदर। पांच टाइप की वोकैबुलरी है, 900 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 4500, 4500 वोकैबुलरी 3 महीने के अंदर आप कवर कर चुके होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके होंगे, क्योंकि डेली आप केवल 10 ही वोकैबुलरी कवर करते हुए चल रहे हो। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 एंटोनियम, 10 सिनोनियम, 10 इडियम फ्रेज, 10 स्पेलिंग चेक, इस तरीके से कवर करनी है। मेक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स इन इजी फॉर्म। आपको प्रिपरेशन करते टाइम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स बनाते हुए चलना है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में, सिंपल लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले भी आप पूरे सिलेबस को फटाक से रिवाइज कर सको। डीप रिवीजन 10 डे बिफोर एग्जाम, जब आपका एग्जाम आ जाए, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए उससे 10 दिन पहले आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है और बहुत ही पूरे सिलेबस को एकदम डीपली सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको रिवीजन मारना है, क्योंकि बिना रिवीजन करे एग्जाम में बैठने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। जो आपने 2-3 महीना बिंदास प्रिपरेशन करी होगी ना, वो बिना रिवीजन के सब कुछ वेस्ट हो जाती है। डेली मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए ना तो एग्जाम से पहले डेली आपको मॉक टेस्ट लगाते हुए चलना है। 2-2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए।
तीन तीन चार चार मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा शुरुआत में। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो कम से कम 2 महीनों तक, तो आप एक हफ्ते में एक मॉक लगाइए, क्योंकि आप फ्रेशर हो, इनिशियल फेज में हो। उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आ जाए, फॉर्म आप अप्लाई कर दोगे, तो फिर डेली दो दो तीन तीन मॉक लगाना शुरू कर दीजिएगा। मेक अ स्मार्ट सिलेबस, कोशिश करिएगा कि अपने अकॉर्डिंग स्मार्ट सिलेबस बना लो। जो लेंथी टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जो कॉम्प्लिकेटेड टफ टॉपिक है, इग्नोरेबल टॉपिक है, वीक टॉपिक है, सब्जेक्ट वाइज एक अलग से सिलेबस बना लो। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो आता है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो आपका टाइम ही वेस्ट होता है। तो ये एक पावरफुल सी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूं चीजों को आप अच्छे समझ गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हलाल के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।